वीरवार को मोहाली के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान श्री अनंतपुर साहिब से सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के ट्यूबवेलों पर जो बिजली के मीटर लगाने का फैसला किया है, अकाली दल इसका जमकर विरोध करेगा और किसी भी सूरत में ट्यूबवेलों पर बिजली के मीटर नहीं लगने दिए जाएंगे। चंदू माजरा ने कहा कि किसी चहेते को लाभ पहुँचाने के लिए कैप्टन 1400 करोड़ रुपए का बोझ जनता पर डालने जा रही है, क्योंकि प्रति मीटर 10,000 रुपए वसूल जाएंगे। चंदुमाचरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बुरी तरह फेल साबित हुई है, इसीलिए अकाली दल फरवरी माह से कांग्रेस सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू किया जाएगा और आम लोगों को साथ जोड़कर एक नारा दिया जाएगा कि सभी एक आवाज दो, कैप्टन साहब जवाब दो। इस नारे के अंतर्गत सरकार से 10 माह का हिस्सा मांगा जाएगा, फिर वह चाहे किसानों की कर्ज माफी का मसला हो या फिर आटा दाल स्कीम का। सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है, जिसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पर चुटकी लेते हुए सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा ने कहा कि सिद्धू जिस पार्टी में गए वहां संकट ही खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि सिद्धू ज्यादा देर कांग्रेस में नहीं टिक सकेंगे। पहली गल तो पंजाब सरकार वालों किसानों के मोटर से बिजली के मीटर लाने के फैसले का श्रोमणी अकाली दल सख्त विरोध करेगा। किसी भी कीमत पर मीटर लगन नहीं दिए जाएंगे। साड़ी वॉलंटियर फोर्स मीटर लाने वाले का सख्त विरोध करेगी। असी मुलाजमान भी अपील करते हैं पावरकॉम दे नूं भी वो सरकार के इस फैसले का विरोध कर, क्योंकि ये किसानों की गल्ला बोझ नहीं है, ये पंजाब के खजाने की गल्ला बोझ नहीं। जिहड़ी पावरकॉम तो पैसे तनखाह लेंदे ने वो पावरकॉम से भी 1400 करोड़ का वाधू बोझ पा जा रहे हैं। एक लिहाजदार की एक मुलाजेदार की लिहाज पूरा करने लिए किसी खास कंपनी को 14 लाख ट्यूबवैलों से 10,000 प्रति मीटर लाने का खर्चा पा के मतलब 1400 करोड़ का बोझ पाना लोगों के पावरकॉम से एक बंदे को फायदा पहुँचाने लिए, मैं समझता मुलाजमान भी इसका विरोध करना चाहिए। और मैं इस गल की पूरी जिम्मेवारी ना कह सकता कि श्रोमणी अकाली दल किसी कीमत पर यह मीटर लाने नहीं देगा। देखो नवजोत सिंह सिद्धू ने जो चल चाढ़ने ने वो तो चढ़ ही रहे हैं, क्योंकि ये गल हुण जग जाहिर होगी उन्होंने पार्टी के बुलारे ने मोहर लाती कि ना उन्होंने सिस्टम का पता, ना उन्होंने पार्टी के कल्चर का पता, ना पार्टी के कायदे कानून नियमों का पता। तो जिहड़ी जिहड़े वजीर ते उहदी पार्टी का बुलारा ये इल्जाम ला रहा होवे उहनूं कायदे कानून सिस्टम ते कल्चर का नहीं पता पार्टी का, मैं समझदा फिर इह तों ना अहल ते नलायक सरकार ते होर किहड़ा सर्टिफिकेट मिल सकदा। ते कैप्टन साहब नूं इस गल का जरूर पंजाब दे लोगों नूं जवाब देना पएगा भी इस तरह के वजीर तुसीं भर्ती कीते जिन्हां नूं कायदे कानून ते सिस्टम का नहीं पता थोड़े नाल। ठीक है, एक मेरा सवाल है कि